कुछ दिन पहले आई वॉज स्टैंडिंग नियर बाय द रोड। मैं अपनी गली के बाहर खड़ा था, साथ में मेरा एक दोस्त खड़ा था। तो काफी सारे लोग जा रहे थे, तो मैंने कुछ कलेक्टिव नाउंस का प्रयोग किया। तो मेरा दोस्त पूछने लगा कि आप ये कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। तो उस समय मुझे जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इस चीज के ऊपर, इस कलेक्टिव नाउंस के ऊपर एक चैप्टर बना के डाला जाए, राइट? तो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक, योर फ्रेंड फ्रॉम जेके स्मार्ट लर्नर्स। टुडे वी आर हियर विद अ न्यू चैप्टर कलेक्टिव नाउंस, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अ नाउन दैट रेफर्स to the group of people, animals and things is known as collective nouns. यदि हम किसी समूह का जिक्र करते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष नामों का प्रयोग होता है, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, राइट? तो आपसे पूछता हूं, चलो when you go to school, राइट? तो वेयर डू यू सिट? ऑब्वियसली यू सिट इन द क्लास। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिट इन द क्लास। सो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, इन दिस अ क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन, राइट? सिमिलरली अ प्राइड ऑफ लॉयंस, अ प्राइड ऑफ लॉयंस। यदि आप किसी गली से या किसी रास्ते से जाते हो जहां पर आप देखते हो कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद काफी सारे घर एक रो में हैं, तो हम उसे कहते हैं अ रो ऑफ हाउसेस, राइट? उसी तरह से यदि कोई समुद्र के किनारे रहता है, राइट, तो उसको पता है, पर वो क्या देखता है, हर रोज वो देखता है कि बहुत सारी शिप्स खड़ी हुई है वहां पर, समुद्री जहाज खड़े हुए हैं, तो हम उसे कहते हैं अ फ्लीट ऑफ शिप्स, राइट? सो यहां पर तीन कैटेगरीज हैं, थिंग्स, एनिमल्स, पीपल, राइट? हमने इनको थ्री कैटेगरीज में बांटा हुआ है, थिंग्स, एनिमल्स एंड पीपल। तो अच्छा, चले बताएं बताएं नहीं, मैं ही आपसे शेयर करता हूं कि ये हम सबको भली भांति ज्ञात है कि हम यदि आज अपने घर पर सुरक्षित हैं तो किसकी वजह से? हमारे देश की आर्मी की वजह से, जो दिन रात बॉर्डर पर पहरा देती है और हमें सुरक्षा प्रदान करती है। यदि उनका समूह हो तो हम उसे कैसे बोलेंगे? एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, राइट? सिमिलरली देयर आर सम अदर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, a choir of singers, a crew of sailors, a crowd of people. Normally you can see a crowd of people, right? A gang of thieves, a patrol of policemen, a team of players. You can see anywhere, whenever you go to school or any ground, when and there is a match, a team of players is there, right? A troupe of dancers, right? Let's come with the animals. A calm of camels, a flock of birds, a gaggle of geese. हम रोज गौशाला जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं herd of cows, herd, right? A canal of dogs, a swarm of bees, a team of hordes, right? Let's start with the things. A block of flats, a bunch of keys. Keys ke sath aur kis cheez ka bunch hota hai, right? Very yummy, green in color, black in color, grapes. A bundle of sticks. Iske upar the story bhi hai. What is the name of the story? Put in the comment box. Yes, right.
Very good. A group of trees, a cluster of stars, right? A clutch of eggs, a basket of fruits. काफी सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं और भी बहुत सारे हैं, आप भी देखें समझें और कुछ यदि आपको नए पता हैं तो कमेंट बॉक्स में डालें। I'll wait for that. Till then, goodbye. परंतु यदि आप हमारे नए चैप्टर्स के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।